अस्सलाम वालेकुम, मैं अबू अमल। देवरकुंडा से काफ़ी दूर एक गाजी नगर बल्कि है, मुकामी लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ पर एक कुतुब शाही दौर की मस्जिद है, वीरान है, गैर आबाद है, और कुछ लोग काफ़ी अरसे से इसमें भैंस बांध रहे थे और मैं देखा जगह जगह गंदगी है। देखकर अल्लाह के इस हालत में घर को बहुत अफसोस हुआ। ये काम हमारा नहीं है, वक्फ बोर्ड का है, हुकूमत का है और मुस्लिम कायदीन का है, लेकिन उनकी बेहिसी को जगाने के लिए आज हम हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के हर छोटे बड़े गांव को पहुँच कर इस तरह के अल्लाह के घर किस हालत में है आवाम को बता रहे हैं। आप देखें कितनी खूबसूरत मस्जिद है और इसमें तकरीबन 200 मुसल्ली नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद के मेन एंट्रेंस पे कुरान की आयतें लिखी हुई है, पूरी बाउंड्री बनी हुई है, अतराफ़ में घना जंगल है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वक्फ बोर्ड को इस बात का इल्म ही नहीं है कि अल्लाह का घर किस हाल में। आज यहाँ पर देवरकुंडा आया, हैदराबाद से 105 किलोमीटर के फासले पर, देखकर बेइंतहा अफसोस हुआ। आप देखिए मेरे कैमरे के ज़रिए कितनी खूबसूरत मस्जिद है और अंदर बहुत ही गंदी हालत में है। मुकामी लोग नौजवान दूर से, काफ़ी दूर दूर से आकर इसकी तो कुछ कुछ दिनों पर उसकी सफाई करते हैं, लेकिन मुस्तकिल हल नहीं है। लेकिन इसको आबाद भी नहीं किया जा सकता क्योंकि आसपास कोई आबादी नहीं है, लेकिन इसकी बेहरमती से तो रोका जा सकता है। इसके लिए वक्फ बोर्ड को आगे आना होगा। इस तरह से गैराबाद, वीरान, गैरों के जो कब्ज़े में मसाजिद है उनकी हिफाजत के लिए वक्फ बोर्ड को फौरी कुछ इकदाम करनी चाहिए। मैं देवरकुंडा गाजी नगर से अबू अमल।